बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं धावा भिंडी। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो रेसिपी है धावा स्टाइल भिंडी, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। इसमें ऐड करूँगी प्याज, ठीक है, एक मीडियम साइज की प्याज है। इसको पहले फ्राई करेंगे थोड़ा सा। देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च चॉप 2 से 3, ठीक है। 2 मिर्चें आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइस पसंद है आपको। मैंने 2 डाली हैं और ये मोटी वाली हरी मिर्च, ठीक है। इसको मिक्स किया हमने, हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। तो मैंने फ्राई किया, अब इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। तो फिर फ्राई करेंगे, ये देखें इसको 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई किया, ठीक है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, फिर थोड़ा फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, मसाले ऐड करूँगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, किसी लाल मिर्च थोड़ी सी, मैं स्पाइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है अपना 1/2 टीस्पून। अब इसको भूनेंगे थोड़े से पानी के साथ, इस तरीके से भून लें। तो ये मसाला भून लिया, फिर हिंदी ऐड करेंगे, कटी भिंडी है, ठीक है, 200 ग्राम। इसको मिक्स करेंगे, इससे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ठीक है, लेकिन भिंडी अभी है, इसमें फ्राई में थोड़ा सा, तो इसमें पानी ऐड करेंगे और कुक कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 1/2 है ना 1/2। देखिए रेडी है, ठीक है, गल गई है भिंडी। तो अब इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब देखिए इसमें नमक ऐड करेंगे हलवे जायका, इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। फिर मैं ऐड करूँगी चॉप हरा धनिया, इसके बाद सर्व करेंगे इसको मिक्स करके। सर्व कर रहे हैं, जी। तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, धावा भिंडी रेसिपी रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।